इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक बड़ा आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि ज्ञान व्यापी मुकदमा राष्ट्रीय महत्व का है, और ये कहते हुए कोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक विभाग यानी ASI के डायरेक्टर जनरल को इस मामले में कोर्ट में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इसके लिए ASI को 18 अक्टूबर 2022 तक की मोहलत दी है। दरअसल कोर्ट ने ASI से विस्तृत जवाब में पूछा है कि आप ये बताएं कि क्या ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के सर्वे की आवश्यकता है या नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को इतना बड़ा आदेश दिया है। दरअसल अप्रैल 2021 में वाराणसी की लोकल अदालत ने एक आदेश पारित किया था जिसमें स्थानीय अदालत ने ASI को ज्ञानव्यापी का सर्वे करने का आदेश दिया था, और लोकल कोर्ट के इसी आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया ने चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ASI के DG को आदेशित किया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 सितंबर 2021 को वाराणसी की लोकल अदालत द्वारा पारित ज्ञानव्यापी के सर्वे के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि इस मामले में वाराणसी कोर्ट में मूल याचिका साल 1991 में दायर की गई थी, और इस मुकदमे को भगवान विश्वेश्वर वर्सेस ज्ञानव्यापी केस कहा गया। अब बात आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस मुकदमे की सुनवाई की। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ASI ने इस मामले में कोर्ट में हलफनामे के जरिए जवाब दाखिल नहीं किया हो। दरअसल ASI ने कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया था वो अधूरा और छोटा था, और कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय महत्व के मामले में ASI के इस जवाब में कुछ नहीं था, और इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI के महानिदेशक को आदेश दिया है कि वो इस संबंध में एक विस्तृत जवाब दाखिल करें।